नमस्कार, इससे हम मौजूद हैं करनाल के जिला सचिवालय के बाहर। हम आपको बता दें कि इस समय हम जो आपको खबर दिखा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर अपने आप में जरूर है, क्योंकि बाइक्स के नंबर्स की बात की जाए, एक बाइक को जहां एक नंबर जो अलॉट किया जाता है वो अपने आप में एक यूनिक नंबर होता है, लेकिन आज की जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं उसमें एक ही नंबर की दो बाइक्स चल रही हैं, जिसमें से एक बाइक मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, बजाज प्लेटिना HR05T2596। इनके जो मालिक हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहूँगी, चाहे बाइक की RC हो वो इनके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें जो है दो बार इनके घर पर पिछले एक साल में दो बार जो है इनके पास चलान आ चुका है, जो कि कोई और बाइक होती है, कोई और उसे चला रहा होता है, लेकिन बाइक का नंबर जो है वो बिल्कुल सेम है, HR05T2596। अपने आप में सवाल जरूर उठता है कि एक ही नंबर दो बाइक्स पर कैसे हो सकता है। सर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जिनकी ये बाइक है। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। सर से एक बार ये बात करना चाहूंगी, उनसे जानना चाहूंगी से क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, कितनी बार आपको जो है चलान आ चुका है और अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है कि एक ही नंबर दो बाइक्स पर कैसे। मैडम, ये साल में दो बार ही चलान मेरे घर आ चुका है जी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ इससे। मैं अपना सारा काम छोड़ के यहाँ पे कार्यालय में चक्कर लगाता हूँ जी। पिछली बार भी मैंने एक रिटर्न में एप्लीकेशन दी थी मधुबन थाने में, जिसका प्रूफ है मेरे पास। अभी तक ना कोई एक्शन हुआ है, ना कोई कुछ हुआ है मैडम, ना ही आरोपी की गिरफ्तार हुआ है जी। पिछली बार भी चलान कैंसिल हो गया था, जो इनके इंचार्ज है रमेश डांगी साहब, उन्होंने कहा बोला था भाई हम इसकी BT करा के इसका इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब की बारी फिर अब 20 तारीख को चलान हुआ है, वो भी मेरे घर आया है, तो मेरे को फिर परेशानी का जूझना पड़ रहा है। तो मैं अब की बारी भी अपना काम सारा छोड़ के यहाँ पे SP ऑफिस में कंट्रोल रूम में आया हूँ, यहाँ पे उनको दिखाया है। अभी पिछली बारी भी यही समस्या थी, अब की बारी भी यही समस्या है, ना कोई समाधान हो रहा ना कुछ। तो उन्होंने अभी BT कराई है, तो देखो भी क्या समाधान होगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ मेरे को इस समस्या से छुटकारा दिलाया जाए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ इससे। तो हमारी भी आप लोगों से अपील यही रहेगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि सर ने कहा कि वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान जरूर है, इस तरीके से एक साल में दो बार ही ऐसा हो चुका है कि उनके घर चलान पहुंचता है जो कि उनका है ही नहीं, बाइक भी उनकी नहीं है। मैं एक बार आपको लाइव तस्वीरों में बाइक की पिक्चर दिखाना चाहूंगी। ये इन्हीं की बाइक है जो कि बजाज प्लैटिना है HR05T2596, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी जिसमें कि नंबर यही है लेकिन बाइक दूसरी है। आप देख सकते हैं ये चलान की वो कॉपी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो फोटो जो कि आपको अभी क्लियरली खैर नहीं दिख रही होगी, इसी की क्लियर पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जिसमें आप देख सकते हैं बजाज प्लेटिना की जगह यहाँ पर स्प्लेंडर बाइक है जिसका नंबर एग्जैक्टली वही है HR05T2596। हमारी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि जो ये बाइक चला रहा है शायद वो आरोपी हो, शायद वो गलत हो, हो सकता है कि उन्हें भी इस बात की जानकारी ना हो, हो सकता है कि कुछ गलती किसी और की रही हो, लेकिन हमारा मकसद यही है इस खबर को दिखाने का कि लोगों तक जागरूकता फैल सके, प्रशासन तक ये वीडियो पहुंच सके किस तरीके से एक ही नंबर की दो बाइक्स चल रही हैं और जिसका चलान जो है इन शख्स के पास आया जो कि पिछली दो बार जो है हालांकि कंप्लेंट भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो है सुनवाई नहीं हुई है। और हम आपको बता दें कि हालांकि जैसे कि हमने आपको पिक्चर में दिखाया, ये जो सरकार द्वारा काफ़ी समय पहले जो है स्पेशल हाई क्वालिटी कैमरा चौक पर लगाए गए थे, ताकि जैसा कि हमने देखा है बड़े बड़े शहरों में होता है किस तरीके से अगर कोई रूल्स आप तोड़ते हैं, ट्रैफिक रूल्स अगर आप तोड़ते हैं तो उसका चलान जो है आपके घर पर पहुँच जाता है। इसी के चलते ये जब उन्होंने रेड लाइट का चलान शायद तोड़ा हो या हेलमेट नहीं पहना था, शायद इस वजह से उनका चलान हुआ हो, तो जो कि उनके हाउस एड्रेस पर जिनके नाम पर ये RC है, जिनके नाम पर नंबर रजिस्टर्ड था, उनके घर पर चलान पहुंचा और जब उन्होंने चेक किया तो वो बाइक इनकी नहीं थी और ना ही वे खुद थे, बाइक भी कोई और थी, शख्स भी कोई और था, लेकिन नंबर सेम था। तो कई सवाल जरूर उठते हैं कि सेम नंबर दो बाइक्स पर आखिर कैसे लग सकता है। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई सवाल उठते हैं जो कि अपने आप में जिसके जवाब मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये शख्स भी पिछले एक साल से दो बार जो है परेशान भी जरूर हुए, किस तरीके से इन्हें भी पुलिस थाने के जो है चक्कर लगाने पड़े। मेरी सहयोगी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, एक बार मैं उनसे जानना चाहूंगी, विभूति क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, काफी हैरान कर देने वाली बात जरूर है ये, तो क्या कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे। तो ये बहुत हैरानगी की बात है कि एक ही नंबर से दो बाइक्स चल रही हैं, जिनकी जानकारी शायद एक शख्स को पता चल गया और एक शख्स को है ही नहीं। तो ये शख्स जो है ये अभी हमें जिला सचिवालय में मिले, जो काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका एक साल में दो बार चलान कट चुका है उस गलती की वजह से जो इन्होंने करी नहीं। तो ऐसी बात नहीं है कि जिनके पास सेम नंबर की दूसरी बाइक है वो कोई आरोपी वगैरह है, बात यह है कि हो सकता है उन्हें भी ना पता हो कि सेम नंबर से बाइक्स चल रही हैं, या फिर कोई चोरी की गई बाइक हो या कुछ भी हो, तो उस शख्स को सामने आना चाहिए और इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहिए।
तो जैसे कि मेरे सहयोगी ने भी कहा, ये शख्स उस गलती का जो है भुगतान करने के लिए दो बार पुलिस थाने में गए, जो कि इन्होंने की ही नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, हम दूसरा जो शख्स जिनके पास स्प्लेंडर बाइक सेम नंबर की है, हम उन्हें गलत नहीं ठहरा रहे हैं, हम उन्हें किसी भी तरह का आरोपी नहीं कह रहे हैं। हमारा केवल यही मकसद है इस खबर दिखाने का कि अगर उन तक ये जानकारी नहीं पहुंची है कि उन्हीं के नंबर की एक और बाइक है, तो एक बार वो भी आकर जरूर क्लियर करें, क्योंकि पिछले एक साल में दो बार जब इनके घर पर चालान पहुंचा, इन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस समय लाइव तस्वीरें आपने जिला सचिवालय की बाहर की देखी है। मैं आपसे यही अपील करना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको चालान की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, स्पेशल जो कैमराज लगवाए गए हैं, तो उसके चलते चालान जो भी है वो घर पर पहुंचता है, जो भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं उसी तरीके से ये चालान इनके घर पर पहुंचा। और जब इन्हें इस बारे में जानकारी मिली, तो इन्होंने देखा कि ना ये बाइक इनकी है और ना ही ये खुद इस बाइक पर जो है जो बाइक चला रहे थे, तो तब इन्होंने जाकर मधुबन थाना में कंप्लेन भी दी, जिसकी हालांकि अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो हमारी आप लोगों से यही अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं लोग भी जागरूक जरूर हुए। अगर इस तरीके का किसी के साथ कुछ हुआ है तो वो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाए, साथ ही साथ प्रशासन भी इसके खिलाफ जरूर कोई ना कोई एक्शन ले, कि अगर इस तरीके से एक ही नंबर से दो बाइक चल रही है, कल को ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अनहोनी हो जाए, किसी भी तरह की कोई वारदात को अंजाम देकर जो है फरार हो जाए, तो हो सकता है कि इन्हें उसका भुगतान करना पड़े अपने आप में। इस तरीके की अगर कोई भी घटना घटती है तो वो सरासर गलत जरूर है। तो हमारी अपील यही रहेगी, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये आपने देखा कि काफी हैरान कर देने वाला मामला जरूर है। हम आपको दोबारा से एक बार बता दें कि ये जो शख्स हैं, मिस्टर मान गोगड़ीपुर गांव के रहने वाले हैं, ये हैरान इसलिए हैं क्योंकि इनकी मोटरसाइकिल है HR05T2596, जिसके मालिक भी हैं, जिसकी RC भी इनके पास है, सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल इनके पास है, लेकिन दूसरी बाइक हम आपको बताएं कि इसी नंबर की एक और शहर में चल रही है, जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, जिसकी हमने फोटो भी दिखाई है। हो सकता है कि उस शख्स ने किसी से ये मोटरसाइकिल ली हो, लेकिन उस मोटरसाइकिल को गलत नंबर चढ़ा दिया गया हो, या चोरी की मोटरसाइकिल बेच दी गई हो, तो कहीं ना कहीं गलत वह जरूर कर रहे हैं। तो हमारी अपील है कि जो भी वह शख्स है जिनकी फोटो बकायदा चलान में आई है, क्योंकि अब हर चौक पर CCTV कैमराज लगे हुए हैं, अगर कोई भी ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो नहीं करेगा या रूल तोड़ेगा, तो उसकी फोटो खींचकर उसी नंबर के आधार पर जो रजिस्ट्रेशन का जो मालिक होगा उसके घर पहुंच जाएगी। लेकिन मालिक तो हकीकत में ये है, लेकिन वह मोटरसाइकिल किसकी है, वो कौन चला रहा था, इस बारे में भी पता नहीं चल पाया है। जो मान साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद है। मान जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहां के आप रहने वाले हैं, क्या पूरा नाम है और क्या आपको परेशानी हो रही है जिसको लेकर आज जिला सचिवालय पहुंचे? सर, मेरा नाम विक्रम है, मैं गांव गोगड़ीपुर का रहने वाला हूँ। यह बाइक मेरे फादर के नाम है, लेट श्री सुबे सिंह के नाम पे। तो परेशानी ये है सर, दो बारी मैं साल में दो बारी चलान आ गया है मेरी मोटरसाइकिल का, और परेशानी मेरे को हो रही है। मैंने रिटर्न में भी एप्लीकेशन दी हुई है मधुबन थाने में। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब ऑनलाइन चलान मेरे पास आया था, तो मैं यहाँ पर आया था कंट्रोल रूम में, मैंने उनको सारा कुछ अपने ID प्रूफ सब कुछ दिखाया था, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था। अरे, यहाँ के इंचार्ज थे रमेश डांगी साहब थे, उन्होंने मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम उनको बताई थी। वो बोले भाई आपका ये चलान कैंसिल कर दिया, और जो भी ये बंदा शख्स या गाड़ी चला रहा है उसको हम अपने BT के थ्रू उसका कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब 6-8 महीने बाद दोबारा से ये प्रॉब्लम फेयर होगी है। तो आप देख सकते हैं एक और चलान आया है, हम दोबारा से आपको वो फोटो दिखाना चाहेंगे। आप इस समय तस्वीरें देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि नंबर तो इन्हीं का है, एड्रेस इन्हीं का है, लेकिन फोटो किसी और की है। जी हां, आप देख सकते हैं कि 16/6 को यह चलान कटा है। हम दोबारा से आपको वह फोटो दिखाना चाहेंगे, जो शख्स है जो ये मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप ये तस्वीरें समय देख सकते हैं। और हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और कहीं ना कहीं ये जो शख्स है जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हो सकता है कि इन्होंने कहीं से मोटरसाइकिल ली हो, और हो सकता है कि ये चोरी की मोटरसाइकिल लो, इन पर गलत नंबर लगा दिया गया हो, चढ़ा दिया गया हो, तो इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो हो सकता है कि निश्चित तौर पर कोई परेशानी इनको झेलनी पड़ रही हो, लेकिन यह भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इनका कहना है कि कल को अगर ये मोटरसाइकिल या इनका मोटरसाइकिल पर लगा नंबर कहीं क्राइम कर देता है, तो उसमें भी ये फंस सकते हैं। आप बताएं, अगर इसी मोटरसाइकिल से कल को कोई क्राइम कर दिया जाता है, कोई चेन स्नैचिंग हो जाती है किसी की वारदात में, यह मोटरसाइकिल इस्तेमाल हो जाती है, तो पुलिस तब भी आपके घर आएगी? ये तो एब्सोल्युटली राइट है सर, पुलिस मेरे घर आएगी, लेकिन मैंने रिटर्न में पहले ही एप्लीकेशन दे दिया भाई, अगर इस बंदे ने कोई क्राइम किया है तो मैं कोई जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तो मैंने पहले ही अपना रिटर्न में एक एप्लीकेशन दिया, जिसमें मेरे पास मौजूद भी है, तो मैं अपना सारा कुछ इसमें SHO साहब के पास दे के आया था। तो
तो ये खबर आप देख रहे हैं और हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी परेशानी में ये युवक फंस चुके हैं। अगर कल को इसी मोटरसाइकिल जिस पर ये नंबर लिखा हुआ है अगर कोई भी वारदात किसी भी वारदात को अंजाम देता है तो पुलिस इनके घर ही पहुंचेगी। लेकिन गनीमत ये है कि इनको पहले पता चल गया, चलान के माध्यम से उनकी मोटरसाइकिल की फोटो इनके पास पहुंच गई और इन्होंने पुलिस में पहले ही शिकायत दे दी है। तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक अजीबोगरीब खबर जरूर है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और इसके असली मालिक हमारे साथ खड़े हैं और जो मोटरसाइकिल चला रहे थे उनकी फोटो भी हमने शेयर की है। अगर वे भी सामने आकर अपनी क्लैरिफाई इस चीज को करें कि आखिरकार उनके पास इस नंबर वाली मोटरसाइकिल कहां से आई, कहीं उन्होंने मोटरसाइकिल कहीं खरीदी हो, क्या वे कहीं गलत फंस गए हो, तो इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।